अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। तो खीर तो आप लोगों ने बहुत तरीके से खाई होगी, लेकिन इस तरीके से आई होप आप लोगों ने अभी तक नहीं ट्राई करी। अगर नहीं करी है तो ज़रूर ट्राई कर लें, बिल्कुल नए तरीके से है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं, इसे आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनती है। तो हम मिल्क ले लेते हैं, मिल्क को हम बॉयल होने के लिए चढ़ा देते हैं। ये हमारा 1.5 लीटर मिल्क है, इसे हम बॉयल होने के लिए चढ़ा देते हैं। जब तक हमारा मिल्क बॉयल होता है तब तक हम इसके सेकेंड स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो ये है मखाने, ये मैंने 1 बाउल भर के मखाने लिए, इन्हें हम रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट करना है हमें। ये मखाने हमारे ड्राई रोस्ट हो गए हैं, इन्हें हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब मिल्क की तरफ हम आ जाते हैं, ये देखिए हमारा मिल्क बॉयल होने लगा है। तब तक हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर देते हैं। ये मैंने ग्रेट करा हुआ कोकोनट लिया है, 1 बाउल कोकोनट लिया है। आप लच्छे वाला भी नारियल ले सकते हैं। ये 1 बाउल मैंने कैशो लिए हैं, 1 बाउल आलमंड और 1 स्पून कार्डमम पाउडर, इलायची पाउडर। और ये हमने एक नंबर, इस सिवई का नाम एक नंबर है, ये हमने सिवई ली है। और आप 0 नंबर या 1 नंबर लीजिएगा, उससे ज़्यादा आप मोटी सिवई मत लीजिएगा, बारीक वाली ही लीजिएगा। तो इसे हम रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से इसे तोड़ लिया है और अब मैं इसे ड्राई रोस्ट कर लूँगी। और सबसे मेन इसमें मैं बता रही हूँ, सबसे मेन इसका ये है कि ये वाली हमें स्वीट लेनी है। अगर आपको ये वाली स्वीट नहीं मिलती है तो आप कोई भी खोए की भी मिठाई किसी भी मिठाई वाली शॉप से ले लें जाके। खोए की जो नॉर्मल मिठाई होती है वाइट कलर की, आप ये भी ले सकते हैं। ये खोए की मिठाई है, बस ये येलो कलर की है, थोड़ा सा इससे कलर चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने यह ले ली है। और ये देखिए हमारा मिल्क कितने अच्छे से बॉयल होने लगा है, सारी चीज़ें कुक हो रही हैं अच्छे से। अब हम वो जो स्वीट है उसे मैंने तोड़ लिया है, अब उसे डाल देंगे। अब वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए, अच्छे से गल जाए, तब तक हमें कुक करना है। स्वीट को हमें पूरी तरह से मेल्ट होने तक हमें कुक करना है। और ये हमारे मखाने हैं, अब हम इन्हें थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। आप मिक्सी में मत करिएगा, मिक्सी में बहुत बारीक हो जाता है। आप जैसे बेलन की मदद से कर लीजिएगा, या कुछ भी आपके पास ऐसा कुछ भी मैश करने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ हो तो थोड़ा सा बस आप क्रश कर लीजिएगा। और ये मैंने 10 से 12 खजूर लिए हैं, खजूर को अब हम वॉश कर लेंगे। वॉश करके हम इसकी शीट निकाल लेंगे और इन्हें बीच से कट कर लेंगे। ये देखिए हमारे मिल्क डार्क होने लगा है, ये हमारे खजूर मैंने इन्हें वॉश करके इनकी शीट निकाली थी, कट कर लिया। अब मैं इसे ऐड कर दूंगी और खजूर को हमें गलने तक कुक करना है। जब पूरी तरह से हमारा खजूर गल जाएगा तो हमारा मिल्क ऑटोमेटिकली बहुत डार्क हो जाएगा। अब हमें इसे कुक करना है 15 से 20 मिनट तक स्लो फ्लेम में। आप देख सकते हैं धीमे धीमे हमारे मिल्क का टेक्सचर डार्क होने लगा है। अभी हमारे खजूर कुछ बचे हैं डेट्स जो अभी मेल्ट नहीं हुए हैं, तो अभी वो मेल्ट हो जाएंगे, तब तक हम इसमें वो मखाने ऐड कर देते हैं। मखाने ऐड करके 2-3 मिनट हमें कुक करना है।
सी, वही आप उस हिसाब से डालिएगा जिस हिसाब से आपका मिल्क है। मेरा 1.5 लीटर मिल्क था, तो मैंने एक बाउल सी वही डाली है, छोटा स्मॉल बाउल लिया है। ज़्यादा सी वही डालेंगे तो बहुत डार्क हो जाएगी, तो उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी बना के रखिएगा कि ज़्यादा सी वही मत डालिएगा, बहुत डार्क हो जाएगी। अब मैं इसमें सिवई ऐड कर दूंगी, और आप चाहें तो थोड़ा सा घी में भी सिवई को रोस्ट कर सकते हैं। और सिवई मोटी वाली मत लीजिएगा, मोटी वाली से थोड़ा सा मज़ा कम आएगा। आप 0 नंबर या 1 नंबर ही लीजिएगा। ये देखिए, आप सिवई जाते ही ये डार्क होने लगी है। बस थोड़ा सा हम 2 मिनट तक और इसे कुक करेंगे। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मैंने खुद अपने आप से अपना एक्सपेरिमेंट किया है और ये बहुत मज़े की बनी थी। सभी लोग राइस डालते हैं, मैंने इसमें सोचा सिवई ट्राई कर लेते हैं, और ये बहुत मज़े की बनी थी। और थोड़ा सा आप इसमें एक बूंद, अगर आपके पास केवड़ा वाटर हो तो वो ज़रूर यूज़ कर दीजिएगा। मैं इसमें 1/2 बाउल सिर्फ शुगर डाल रही हूँ, तो पहले मीठा आप चेक कर लीजिएगा, फिर उसके बाद शुगर डालिएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्वीट हमारी मीठी होती, इस वजह से। तो मैंने शुगर इसमें ऐड कर दी है, कम से कम ही शुगर ऐड करिएगा, पहले आप चेक करने के बाद ही शुगर डालिएगा। अगर आप मिठाई डाल रहे हैं तो ये देखिए हमारी बिल्कुल कुक हो गई है, डार्क हमें इतना ही डार्क चाहिए। हम इसमें 1 स्पून इलायची पाउडर डाल देंगे। और मैं आपको बता रही थी मेरे पास केवड़ा वाटर है नहीं, तो आप केवड़ा वाटर इसमें थोड़ा सा एक बूंद ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई, अब हम आपके लिए सर्व करते हैं। और आप लोगों से मैं एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ, जब तक खाने में ट्विस्ट ना हो और जब तक खाने में आप एक्सपेरिमेंट ना करें, तब तक खाना मज़ेदार नहीं बनता है। तो ऑलवेज खाने में एक्सपेरिमेंट ज़रूर करते रहिए, किसी दिन तो कुछ नया डिफरेंट अच्छा बन जाता है। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ये बहुत टेस्टी बनी है, रेसिपी पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करिए कि मैंने क्या गलत किया है, क्या नहीं किया है। तो प्लीज़ आप लोग बताया करिए, मैं आपके कमेंट का वेट करती रहती हूँ। ये देखिए हमारी डिलीशियस सी डिज़र्ट बन के तैयार है। जिसको आप खिलाएंगे वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर 110% मांगेगा। एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।